लगी और तृष्णा की, सीना ये मेरा क्यों जलाए। अलिफ बस अलिफ बस हर्फ नहीं, ये जर्फ है कमाल का, इब्तिदा जान की, जवाब हर सवाल का। अलिफ बस ये रहा तुम्हारा टिकट, तुम्हारा ऑडिशन का कॉल लेटर और तुम्हारा होटल का वाउचर। लाहौर पहले गई हो? नहीं। टेंशन की कोई बात नहीं, टैक्सी पकड़ना और होटल जाना और फिर वहाँ से ऑडिशन वाले होटल, दोनों करीब करीब। ऑडिशन के बाद बताएंगे कब। बस एक मिनट, ऑडिशन के बाद कब तक बताएंगे? दाऊद तो कह रहा था उसी दिन बता देंगे, उन्होंने अगले महीने शूटिंग शुरू करनी है ना। एक दो इंडियन एक्ट्रेस थे जिन्होंने लास्ट मिनट फिल्म छोड़ दी, इसलिए पाकिस्तानी एक्ट्रेस रख रहे हैं ताकि वीजा रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो। अच्छा मैं अब भागती हूँ, बस हो गया। वाओ, ये आपने कैसे किया? आपको पता है ये इटली से आया है और कोई इसको हाथ नहीं लगा रहा था। मैं दरअसल इस कंपनी में काम करता था। किस कंपनी में? जिसने ये जूता बनाया। इटली में? जी मिलान में। यकीन नहीं आ रहा मुझे। 1800 रुपए। 1800 किस चीज के? ये जो जूते की मरम्मत हुई है इस चीज की। ये 500 चलेंगे। अब्दुल हला साहब। हुजूर। हुजूर। कैसे हो? आप कैसे हैं? तुम्हारी दुआ। आज यूं अचानक आपको देखकर जो खुशी मुझे हुई है ना, मैं बता नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आइए, आपने तो हैरानी कर दिया मुझे। भाई तुम बार बार इशार कर रहे थे तो मैंने सोचा कि तुम्हें यहाँ कर बंधी हूँ। तो ये है तुम्हारा ठिकाना? जी जी यही है मेरी कुटिया। आइए आइए, तशरीफ लाइए। यहाँ बैठिए। भाई बड़ी मुश्किल से मिली दुकान तुम्हारी, तुम्हें तो यहाँ कोई जानता ही नहीं। आपने मोची ना कहा होगा वरना फौरन मिल जाता। ये गलती हुई मुझसे। मैं तो इटली का हवाला दे रहा था। शुक्रिया। अरे मैं आपको आपका तोहफा दिखाता हूं। ये देखिए नई जिलबांदी। संभाल कर रखा हुआ तुमने इसको। आपके हाथ के लिखे इस नुस्खे ने मेरी जिंदगी बदल दी थी, इसे भी ना संभाल के रखता। मुझे याद है जब किसी ने मुझे तोहफतन दिया और बताया कि ये नुस्खा आपके हाथ का कलमी नुस्खा है, तो मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि मास्टर इब्राहिम तुमने तो सारी उम्र रैंप पे चलने वाली औरतों के जूते बना बना कर गंवा दिए, और बदले में क्या मिला? पैसे बस। याद है आपको, आपको ढूंढता हुआ तुर्की पहुंच गया था। हाँ, क्या लाए थे तुम मेरे लिए?
जूते, परफ्यूम। मेरा ख्याल है कि एक सूट भी था उसमें। जो औकात थी वो लाला साहब वही ला सकता था। और कितना हैरान हुआ था आपको उर्दू बोलता देखकर। भाई उस वक्त सीख रहा था ताकि पोते के साथ बात कर सकूं। जी जी, कैसा है आपको पोता? जैसे तुम थे कभी। यानी निकल आएगा मंझधार से। अब्दुलाला बहुत गुनाहगार इंसान है, ये आजमाइशें इसीलिए तो आती। अल्लाह ताला का नाम लिखने में मुझसे कोई ना कोई कोताही या बेअदबी तो जरूर हुई होगी। ऐसा ना कहें, तो सब रास्ते हैं, इंसान को हर तरह के रास्ते पे चलना होता है। सिर्फ सीधे रास्ते पे चल के तो कोई अपने रब तक नहीं पहुंचता। मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूं, अब तो हाथ भी कांपते हैं काम करते हुए। मेरे बाद इस खानदान में अल्लाह का नाम लिखने वाला कोई नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ा गम है। बहुत बड़ा। नहीं उस्ताद, कोई नहीं ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुदा हाफिज करने आई हूँ, लाहौर जा रही हूँ। अच्छा, दुआ कीजिएगा। जरूर जरूर बेटा, अल्लाह कामयाब कर। खुदा हाफिज। वो जो बच्चे बच्चियां कुरान शरीफ के खस्ता हाल सफों की मरम्मत में मेरी मदद करते हैं, उन्हीं में से एक बच्ची है। अभी 4 बजने वाले हैं ना, देखिएगा आप, बच्चे बच्चियों का तांता बज जाता है, एक रौनक लग जाती है यहाँ। मैं चाय बनाता हूँ आपके लिए। लेकिन आप यार रोए तो नहीं ना? आप उस्ताद, मैं तो अपने उस्ताद की आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता। बस दिल भर आया था। देखिए सुने, वो आ जाए, कहीं नहीं जाए। मेरे माँ बाप भी तो इतने परेशान थे, सैयदों का लड़का औरतों की जूतियां बना रहा है, कहाँ, पेरिस में डिजाइनर वेयर मिलान। अब देख कहाँ आके बैठा हूं। अच्छा बाय द वे, नेहा आ जाए ना तो उससे जरा वार्डरोब के बारे में बात करना ना, बिकॉज पिछली दफा हमारा बजट बहुत ओवर हो गया था। बाय द वे इस बार एक दो डिजाइनर्स हैं जो खुद ही अप्रोच कर रहे हैं हमें वार्डरोब के लिए। अगर नेहा अप्रूव कर दे तो वार्डरोब में भी काफी वैरायटी आ जाएगी और हमारा बजट भी काफी कम हो जाएगा। नेहा लेट नहीं है वैसे? किधर है वो? उसको फोन करो। हेलो। ओह शी इज हियर। बुजुफी को ट्रैफिक में लेट हो गया था। लेट तो नहीं हुई मैं? सिर्फ आधा घंटा। फिर तो मैं टाइम पे हूं। Anyways, वो शाला की प्रेजेंटेशन जरा निकालो और आप थोड़ी देर वेटिंग रूम में वेट कर सकते हैं। अभी हम मीटिंग कर रहे हैं और
नेहा एक घंटे तक फारिग हो जाएगी। मम्मी तुम्हें बताया था ना जूफी से मिलवाना था। हाँ लेकिन आज मैं मसरूफ हूँ, वो अभी मोबाइल फोन वाले आ रहे हैं, हमारे स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, उनके साथ मीटिंग है, नॉट पॉसिबल टुडे। 10-15 मिनट की बात है मम्मी। अगर तुमने एक दो दिन पहले बताया होता तो। एनीवेज टीना इनके साथ मेरी 2 दिन बाद की अपॉइंटमेंट सेट कर दो, ठीक है? इज दैट ओके विद यू? या इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ओके गुड, चलो जी वी गुड टू स्टार्ट। टीना मुझे जरूरी काम याद आ गया है, तो मेरी मीटिंग भी फिक्स कर देना 2 दिन बाद। नेहा, एक्सक्यूज मी, नेहा, नेहा, ये क्या चाइल्डिश बिहेवियर है? बिहेव योरसेल्फ, अगर तुम्हें दूसरों का एहसास नहीं, दूसरे क्यों तुम्हारा एहसास करें? उस लड़के की वजह से मेरे से आर्ग्यू कर रही हो? हाँ कर रही हूँ, तो वो दोस्त है मेरा, तुम हर एक को छोड़ सकते हो, मैं नहीं छोड़ सकती। आपा कितनी खुशनसीब हो तुम, बैठे बैठा इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है तुम्हें। हॉलीवुड, हॉलीवुड में काम करोगी तुम? अभी तो सिर्फ ऑडिशन का कॉल लेटर है, कितनी बार बताऊं तुम्हें? पता है मुझे, लेकिन मुझे ये भी पता है कि सिलेक्शन हो जानी है तुम्हारी, देख लेना। अल्लाह करे हो जाए, हमारा इलाज भी हो जाएगा। और तुम्हें पता है अगर इस फिल्म में छोटा सा भी रोल मिल गया ना तो फिर मुझे सीरियल्स मिलेंगे और सोप में मेन लीड, और अक्सा तो कही थी दाऊद से कह के मुझे प्रमोट भी करवाएगी। सोप सीरियल कुछ नहीं करेंगे अब आप सिर्फ फिल्में करेंगी, वो भी हॉलीवुड और बॉलीवुड की। मैं ख्याली पुलाव नहीं पकाती। मैं हूं ना पकाने के लिए, मैं ठीक होता ना तो मैं भी आपके साथ लाहौर चलता, लाहौर जाता था ना मैं पहले फिल्म में रोल के लिए। तुम ठीक हो जाओ फिर तो मैं लेके चलूंगी लाहौर। प्लेन से जाएंगी ना, और ठहरेंगी कहाँ पे? पता नहीं, सारे इंतजाम उन्होंने ही किए हैं, प्लेन का टिकट और स्टे सब कुछ। लेकिन इस कॉल लेटर में तो लिखा है कि वो लोग ट्रैवल और अकोमोडेशन के जिम्मेदार नहीं होंगे। खाओ। तुमने क्यों किया ये सब? क्या कंपनी वाले नहीं दे रहे थे ट्रैवल और अकोमोडेशन, तुमने किया है? तुमने पढ़ लिया कॉल लेटर? जैसी चीज का डर था। जहांगीर ने पढ़ के बताया मुझे, ये सब करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? हाँ लेकिन अगर तुम्हें पता लगता कि अकोमोडेशन और ट्रैवल नहीं है तो तुमने जाना नहीं था ऑडिशन देने। जाना तो नहीं था मुझे, लेकिन तुम्हें पैसे वापस करूंगी। मुझे पता है मेरी बहन, बहुत खुददार हो तुम, सब कुछ वापस कर दोगी, पहले जाओ तो सही। तुम्हारी वजह से दुनिया थोड़ी कम काली लगती है मुझे। अगर हर चीज दिल पर लेना बंद कर दोगी तो थोड़ी और भी कम काली लगेगी। बेस्ट फिल्म डायरेक्टर ऑफ द ईयर की नदीम मालिक फॉर जुनून, कल्बे मोमिन फॉर एतराज, एंड द अवार्ड गोज टू द वन एंड ओनली कल्बे मोमिन फॉर एतराज। Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Darujan, ये मोमिन भाई का वार्ड है जो जो पीछे पड़ा है, ये सितारे वाला। Firstly, मैं थैंक करना चाहता हूँ अपने आप को। I want to thank myself because I've done a lot of hard work for the past so many years. और बड़ी खुशी होती है जब hard work को reward किया जाता है। So thank you kalbe moment putting all this hard work in and giving you such a great film. Sone ja rahe of course my team I need to main dekhta hu, they're always there, they're always doing their share of work, so thank you so much, and I guess another award for my shelf and many more to come. Thank you so much. Thank you मेरे मोमिन को सीधा रास्ता मिला। उसको
आज रात मुझ तक कहीं पर चला फिर मैंने बाबा को सितारा बन दिया, वो फिर मुझे नजर आया। मुझे लगा वो सितारा बन गए हैं, कभी लगता है वो आग का घोड़ा बन गए हैं। मैं हर रोज उनको ख्वाब में देखता हूँ और उनके लिए परेशान हूँ। दरख्त गिर गया। मेरे खत क्यों पढ़ रही है? ये आपके लिए नहीं थे। तुम दादा के पास जाना चाहती हो? नहीं, मैं सिर्फ बाबा के पास जाना चाहती हूँ। तुम वहां नहीं जा सकते। तो वो तो आ सकते हैं। वो भी नहीं आ सकते। क्यों? इसलिए कि आपसे गलती हो गई और उन्होंने आपको माफ नहीं किया। तुम्हारे पापा अल्लाह के पास चले गए। मुझे पता है, इसीलिए मैं अल्लाह मियां को लेटर्स लिख रहा हूँ। तुम बाबा को सितारा बनते हुए देखते थे ना, वो बाकी सितारा बन गए। आ नहीं सकते हमारे पास। हम भी नहीं जा सकते। तुम नहीं, शायद मैं चली जाऊं। मोमिन, क्या हुआ?
मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम दादा के पास चले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों? मेरे दोस्त अपनी मम्मी को उनके नाम से नहीं पुकारते। उनकी माएं हुस्ने जहां नहीं है। और किसी को ये मत बताना कि तुम हुस्ने जहां की बेटी हो। तुम मेरे बेटे हो, मेरी जान। मैं उनको कभी भी हुस्ने जहां नहीं बोलूंगा। मैं उनको अपनी मम्मा ही बोलूंगा। बहुत ठीठ हो तुम। नहीं, मैं मोमिन हूँ। बिगड़ी माँ की बिगड़ी औलाद। जवाब आया? नो, मैंने तो पहले ही कहा था। तुमको यकीन है अल्लाह को खत मिल गए होंगे? हाँ, मिल तो गए होंगे। अल्लाह को तो सब मिल जाता है। कितने खत भेजे थे तुमने? 30। There too many। अल्लाह को जवाब देना चाहिए था। हाँ, टीचर ने कहा था अल्लाह सबकी सुनता है और सबको जवाब भी देता है। अल्लाह सबके लेटर भी तो पढ़ता होगा, तो लेटर के आंसर भी आने चाहिए। तुम प्लीज किसी को मत बताना। नो नो, मुझे लगता है अल्लाह जल्दी ही मुझे जवाब देंगे। और अगर अल्लाह ने कभी आंसर नहीं किया तो? जरूर करेंगे। हाँ मोमिन, अगर जवाब ना आया तो मैं अल्लाह से खफा हो जाऊंगा। खफा होगे फिर क्या करोगे? मैं दोबारा अल्लाह को खत नहीं लिखूंगा और उनसे दुआ भी नहीं करूँगा। और मैं कभी मॉस्क भी नहीं जाऊँगा। और मैं हमेशा गंदे काम करूंगा और झूठ बोलूंगा। और प्रे तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। मेरा खत आया? नहीं तो। आपका खत कहाँ से आना था? डाकिया तो सारी डाक दे गया है। आप रोजाना यूं ही पूछते हैं। ठीक है, मम्मी वापस आ गई है क्या? हाँ, वो तो अंदर ही है। मम्मी बहुत मेकअप करती है, मुझे पहले जैसे खूबसूरत नहीं लगती। और मुझे ये भी नहीं अच्छा लगता कि वो ऐसे अंकल्स के साथ बात करती है और उनके सामने डांस करती है। क्या मुझे अल्लाह ताला को बताना चाहिए? नहीं, मैं मम्मी का सीक्रेट किसी को नहीं बता सकता। उन्होंने मुझसे ये वादा लिया है। आपने कभी मेरी बर्थडे अच्छे तरीके से सेलिब्रेट नहीं की? हाँ, लेकिन इतना दिल चाहा तो बस कर ली। तुम्हारे दोस्त कब आ रहे हैं? पता नहीं, वेट कर रहा हूँ।
मोमिन जी, अपने दोस्तों के सामने मेरा नाम बताए, नाम लो, मम्मा ना बोलू, याद है मुझे आज मम्मी बोलना। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे मोमिन। हैप्पी बर्थडे। आई मम्मा, मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलूं। अस्सलाम वालेकुम। प्रीटी हमें तो पता ही नहीं था कि आप मोमिन की मम्मी हैं। इनके पापा कहाँ हैं? मिलवाएं उनसे। मैं तुम लोगों को कब से ढूंढ रही हूँ, तुम मेरे बगैर लंच कर रहे हो। अब हम तुम्हारे साथ कभी लंच नहीं करेंगे, बल्कि बात भी नहीं करेंगे, साथ भी नहीं बैठेंगे। क्यों? Because your mom is a bad woman. No, she's not. Yes, she is. मेरी मम्मा कह रही थी तुम्हारी मम्मा एक डांसर है। That's bad. मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे दादा के पास जाना है। I hate you. You're a bad woman. क्या है वो सीधा रास्ता जिस पे मैं नहीं? हाँ, बाबा, आपके नजदीक सीधा रास्ता है क्या? दादा, मैं मोमिन हूं, मोमिन। दादा बताइए ना, क्या है सीधा रास्ता? फला का रास्ता। फला का रास्ता यानी कामयाबी का, है ना? आइए आइए। ये है फला। और ये है फला। ये घर देख रहे हैं आप, ये सिर्फ 5 साल में बनाया। और ये शहर के महंगे तरीन इलाके के अंदर, मुल्क के कोने कोने के अंदर लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, मरते हैं, मिनते करते हैं मेरे साथ काम करने की। और मेरी उंगली के एक इशारे के ऊपर हर ब्रांड आंखें बंद करके पैसे फेंकता है। ये होती है फला और कामयाबी। जो तुम कर रहे हो वो बेहयाई है, और इस बेहयाई में सुख मिलता है। ऐसा घर, वही गाड़ियां जो तुम चलाते हो बेहतरीन, वही ब्रांड्स जो तुम पर दौलत निछावर करने के लिए तैयार है। तुम जिस्म दिखाते हो, तुम जिस्म की परस्तिश करवाते हो। दुनिया तुम्हारा तवाफ क्यों नहीं करेगी मोमिन?
भेजता था, ये अब ज्यादा कर रहे हैं। आप मेरे काम को छोटा और हकीर समझकर ज्यादा कर रहे हैं मेरे साथ। आपने क्या कमाया? क्या कमाया आपने अपनी जिंदगी के 70 साल इस कैलीग्राफी को देखे क्या कमाया आपने? मुझे देखे, आपसे आधी उम्र का भी नहीं हूं, लेकिन शोहरत है मेरे पास, लाखों करोड़ों लोगों की मोहब्बत और चाहत है मेरे पास। आपके पास क्या है? कुछ नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं। यही सुनना चाहते हो ना मेरी जुबान से? हाँ, मेरे पास ये क्रेडिट कार्ड्स नहीं है, ऐसा घर नहीं है, तुम्हारे जैसी गाड़ी नहीं है। मुझे करोड़ों लोग न जानते न पहचानते, लेकिन अल्लाह मुझे जानता है, पहचानता है। तुम्हें जानता है वो? ये गुरूर है, ईमान है, ईमान। मैं 16-16 घंटे अल्लाह का नाम लिखूं और ये गुमान ना करूं कि वो मुझे जानता है। तुम अगर ये गुरूर समझते हो तो गुरूर सही। दादा आप मुझे बहुत परेशान करते हैं यार, यार आप प्लीज वापस चले जाएं। अलिफ बस हर्फ नहीं, ये ज़र्फ है कमाल का, इब्तिदा जहान की, जवाब हर सवाल का। अलिफ बस, अलिफ बस। So okay, you got the picture right? Yeah. Hello. Momina Sultan. Hi. Please sit. So, your character is deaf and mute and has just witnessed the cold-blooded murder of her best friend, and you're trying to save yourself. Okay? You mean I have no dialogues? No. लगता है बेमकसद आई यहाँ, ये ऑडिशन भी गया। Deaf and mute? Yes. Okay. Yeah. So you are in a room hiding yourself in a closet, frightened, shocked, and helpless. On record. तो कोई उम्मीद नहीं है, डायलॉग्स भी नहीं है मेरे, गूंगी लड़की का रोल है यार। मैं तुम्हें पहले ही कह रही थी। उन्होंने बताया नहीं अभी तक? नहीं, अभी तो बस बिठाया गया यहाँ पे वेट करवा रहे। Okay, so yeah, we just need to, you know, discuss it a little bit. चल, मैं कॉल करती हूँ थोड़ी देर में, ओके? आप अपना स्टे बढ़ा सकती हैं? वापसी की मेरी फ्लाइट बुक हुई हुई है, होटल की फिर दोबारा बुकिंग करवानी पड़ेगी। वो दोनों चीज़ें हम देख लेंगे, लेकिन आप 3 दिन के लिए अपना स्टे बढ़ा लें, बिकॉज तबस्सुम भी आपके कुछ और ऑडिशंस करना चाहती है। ओके। आपसे क्या कह रहे थे? ऑडिशन का कह रहे थे और स्टे बढ़ाने के लिए बात कर रहे थे। Then you are selected. ऐसा तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, कह देंगे। Congratulations. मोमिना सुल्तान, प्लीज कम। आपा को नहीं बताएगा? नहीं, उसको इत्तला दे दी है मैंने। आप जाके डॉक्टर को बोले, आके देखे तो
कितनी दफा गया हूँ सरकारी अस्पताल है, कोई सुनता ही नहीं। तो चले इसको किसी प्राइवेट अस्पताल ले चले, इसकी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, कोई इसको आके देखता क्यों नहीं? एक दफा फिर जाता हूँ, अगर नहीं मिलता ना तो मैं प्राइवेट अस्पताल के लिए एम्बुलेंस लेकर आता हूँ। मैं आपके टिकट्स की डेट भी चेंज करवा दूंगा, आप अपना रूम चेक कर लें। वैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर तो आपके पास है, हम सब भी इसी होटल में ही ठहरे हुए हैं। बस शाम को आपकी एक मीटिंग है तबस्सुम के साथ दोबारा, उससे पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट और उसकी डिटेल्स लेके आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है। एंड कंग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू। टीम इज वेरी इंप्रेस्ड विद यू, कितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ने अप्रोच किया हमें इस प्रोजेक्ट के लिए, और प्रेशर भी डलवाया है, बट यू वर लकी। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो, मुझे सिलेक्ट कर लिया? नहीं। हाँ, मेरा 3 दिन स्टे और बढ़ा दिया है, और जिस होटल में तुमने बुकिंग करवाई थी ना, मुझे वहां से यहां पर ले आए जहां पे सब रुके हुए हैं। आई डोंट बिलीव इट, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। दिल चाह रहा है सीधा उड़ के लाहौर आ जाऊं तुम्हारे पास। उड़कर तो मैं आऊंगी कराची। सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब कुछ। अच्छा, जज्बाती ना हो। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तुम्हारा? हो जाएगा, शाम को मीटिंग है तबस्सुम के साथ। जबरदस्त। आंटी और जहांगीर को बताया? नहीं, अभी नहीं बताना, मैंने उनको सरप्राइज देना है आकर। अभी कॉल भी करी थी, तीनों में से कोई उठा ही नहीं रहा। कोई सिग्नल का इशू हुआ है? नहीं नहीं, कोई सिग्नल का मसला नहीं है। मैं कर लेती हूँ उन्हें फोन, और तुम्हारे स्टे आगे बढ़ने का भी बता दूंगी। अगर अभी फोन नहीं लग रहा तो बाद में ट्राई कर लेना। मैं पहली बार किसी 4-स्टार होटल में आई हूँ, बहुत शानदार कमरा है। अभी तो शशके शुरू हुए हैं तुम्हारे। रोल के बारे में कुछ बताया उन्होंने? नहीं, शाम को डिटेल में बताएंगे, मीटिंग है ना। मैं दाऊद को बताती हूँ जरा, वो आज ही पूछा था तुम्हारे ऑडिशन के बारे में। ठीक है। दाफिस। तो ये वाला इसको यहाँ कर दो। यहाँ? Are you sure? मेरी स्किन टोन के साथ ये ठीक लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, trust me, it will look fantastic on you. अच्छा फिर ठीक है, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम ना ज्वेलरी साथ लेके आऊंगी। हाँ प्लीज ले आएगा। ठीक, तो फिर मैं चलती हूँ। मेरा बाहर वेट करना चाहिए था लॉबी में। अच्छा प्लीज अब नाराजगी खत्म कर दो। मैं क्यों नाराज होंगी तुमसे, और अगर होंगी भी तो तुम्हें क्या परवाह? परवाह है, तभी तो यहाँ पे आए हो ना। और तुमने जोफी का मेरी फिल्म में होना अपनी जिद क्यों बना लिया? जिद नहीं, मेरी ख्वाहिश थी। तुम मुझे जिद समझ रहे हो, तो जिद ही सही। देखो, जोफी को हम दोनों के दरमियान नहीं आना चाहिए। तुम्हारे मेरे दरमियान जोफी है भी नहीं। तुम्हारा मसला पता क्या है? तुम अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं हो। तुम्हारी नाक सबसे बड़ी है, तुम्हारी नाक उससे भी ज्यादा। पहले भी ऐसा ही था, तो शुरू से ऐसा ही हूँ, आज तो नहीं हुआ ना ऐसा। मुझे गलती हो गई तुम्हें समझने में। नेहा, नाउ यू आर हर्टिंग मी। ये काम तो तुम्हारा है, कोई दूसरा कैसे कर सकता है? देखो, मैं तुम्हें यहाँ मनाने आया हूँ, तुमसे आर्ग्यू करने नहीं आया। तुम्हारी फिल्म में जूफी लीड करेगा, तभी ये मामला सही होगा, अदरवाइज इट्स ऑल ओवर। तुम जूफी को हमारे रिलेशनशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हो? नहीं, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारी इज्जत सबसे बड़ी है या मैं।